आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बरोज सोमवार की शाम इंटैली में उपस्थित फतेह हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मौजूद थे तृणमूल कांग्रेस के नेता सब्यसाची जी, वार्ड नंबर 77 की काउंसिलर शहीमा रेहान साहिबा और दीगर हजरात। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती कर रहे थे राजू भाई, माजिद भाई, नूर भाई, आसिफ उर्फ रवि। आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। दादा रमजान मुबारक, सबसे पहले आपको क्या कहेंगे दादा आज इफ्तार पार्टी में? आपका जरिया सभी दर्शकों को मेरा तरफ से भी आज 17वां रमजान का मुबारक हम भी देते हैं। दादा जिस तरीके से देखा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा तमाम लोगों को लेकर के हर त्यौहार को मनाया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि सीएम ने कहा है कि धर्मो जाट जाट सब सवार। इस माहौल में कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे वसीम भाई? बस अल्लाह का शुक्र है कि आज इफ्तार का दावत यहाँ पर और सब स्टेट की तरफ से बेहतर हो रहा है। हमारी ममता बनर्जी का जो हम लोग का बहुत बड़ा प्यार है देन है, तो ये एक ऐसा वाहिद स्टेट है जहाँ इफ्तार में आपको हिंदू मुसलमान सब एक साथ खुशी खुशी बिना टेंशन का यहाँ पर खाना खाते हुए नजर आएंगे आपको। इस तरह की फिजाओं में नफरत को घोलने की कोशिश की जाती है, बंगाल कहीं ना कहीं आगे बढ़कर उसको जवाब देता है कि नहीं हम एक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बंगाल पूरा हिंदुस्तान में एक बेहतरीन मिसाल है भाईचारा का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा हिंदुस्तान में बरकरार रखना। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस इस माहौल में एक ही अपील है कि अपने पुराने हिंदुस्तान को याद करें, जो इस हिंदुस्तान बनाने में सिर्फ एक कौम का नहीं और एक जाति का नहीं और एक इंसान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मेहनत है, पूरे हिंदुस्तान कुर्बानी है, तो पुराना कुर्बानी को अपना याद करें और इस भाईचारे का माहौल को बिगड़ने ना दें। हर ज़माने में आपको हर गेहूं में कंकड़, हर चावल में गंदगी मिलेगी, उसे साफ़ करें और अच्छा खाना खाएं। आज बहुत ही बाबरकत दिन है, रमज़ान का महीना, इफ्तार पार्टी हो रहा है पूरे मगरबी बंगाल में। जैसे जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में एक नफरत की फिज़ा घोली जा रही है, आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बंगाल एक वाहिद ऐसा स्टेट है जो हमेशा सामने से आकर जवाब देता है कि नहीं हम लोग एक हैं, क्या कहना चाहेंगे इस एकता को? आज आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब साथ में, हम लोग के बीच में कोई मतभेद नहीं है। आज रमज़ान का शुभ महीना में जिस तरह हम लोग दोनों कौम एक साथ दोनों पर्व मनाया जा रहा है, बाकी हिंदुस्तान के लोग ऐसे देखें कि आज हम लोग के बीच में कोई मतभेद नहीं है, ये दहशत, ये गुंडागर्दी कहाँ से आ रहा है? आज आप लोग सब देख पा रहे हैं, मैं एक हिंदू लड़का, मेरे बड़े भाई एक दूसरे कौम से होकर भी हम लोग सारा पर्व, जागरण बोलिए, आपका दुर्गा पूजा बोलिए, रमज़ान का पाक महीना बोलिए, हम लोग साथ मिलाते हैं, मिल के करते हैं। हम लोग के बीच में तो वैसे कुछ भी नहीं है, हम लोग कभी इस तरह से सोचा नहीं, कभी ऐसा हम लोग का संस्कार कल्चर इस तरह है ही नहीं, तो पता नहीं कहाँ से कुछ लोग अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं, जो हम लोग कभी ये सब सोचते नहीं है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें क्या जवाब देना चाहते हैं? यही जवाब देना चाहते हैं कि ये सब दहशतगर्दी बंद करें, ये सब ठीक नहीं है। हमारे पप्पू सिंह भाई या भाई हमारे, ये नॉन मुस्लिम भाई, हम मुस्लिम भाई, हम लोग जो भी है हम लोग मिलजुल के प्रोग्राम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम इनके सब प्रोग्राम में हम आ रहे, सब प्रोग्राम में ये आते हैं और इनके सब प्रोग्राम में हम लोग आते हैं। कुछ आदमी और कुछ ऐसे हैं पार्टी और कुछ भी ऐसे हैं जिन लोग की मदद से आज बंगाल का ऐसा हालात हो रहा है, लेकिन देखिए हम लोग आप लोग के द लोकल जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आप लोगों के जो भी दर्शक देख रहे हैं उन लोगों की एक ही मैं वार्ता देना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम हम लोग हमेशा बंगाल में एक संग एकजुट होकर रहते हैं, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। बात ऐसा है कि बात एकता का है, हम लोग का बंगाल ऐसा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बोल कर कोई चीज़ नहीं है, अगर जो हिंदू मुस्लिम करता है वो कोई धर्म का ही नहीं है, दहशतगर्द का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है, इंसानी नहीं है, इंसानी नहीं है। और बंगाल हम लोग का ममता दीदी हम लोग वही चीज़ सिखाया गया है कि हिंदू मुसलमान बाद में करें, सबसे पहले हम लोग अच्छा इंसान बने। बहुत बहुत शुक्रिया।
आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बंगाल में जो है हिंदू मुसलमान के पर्व में, मुसलमान हिंदू के पर्व में सब ऐसे रहते हैं जैसे समझ लीजिए एक भाई दूसरे भाई के प्रोग्राम में हर चीज़ में मदद करते हैं। हमारे गुड्डू भाई शेख राजू भाई की तरफ से इतना अच्छा दावत इफ्तार हुआ, इन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा बोलना है कि देखिए हम लोग बंगाल में छोटे बचपने से बड़े हुए हैं सब दोनों मिल करके। देखिए आप इनका नाम पूछिए, आपका नाम? मेरा नाम पप्पू है। मेरा नाम मोहम्मद जानियालम। आपको यही समझ में आ जाता है कि क्या एकता है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, यही बंगाल है, यही ममता बनर्जी का बंगाल बंगाल है। ठीक है, हम लोग दोनों हिंदू मुसलमान मिल करके रहते हैं। हम इनके सभी प्रोग्राम में दुर्गा पूजा इत्मीनान से मनाते हैं भाई, हम लोग के रमजान इत्मीनान से मनाते हैं। हम लोग दोनों के यही भाईचारगी एकता हम लोग के बंगाल में अमन चाहते हैं। अब कुछ लोग सियासी अपना रोटी सेकने के लिए हिंदू मुसलमान करते और कुछ नहीं है, और जितना चीज़ उनके पूछिए वो जानते हैं कि हमारा और कुछ रहा नहीं राजनीति करने के लिए। ठीक है, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नफरत की राजनीति से रोटी सेकना मांगते हैं। ठीक है, आप मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। स्किन ग्लोज इन टू वेज, ए यूजिंग फिल्टर्स और बी वाटर। बहामास, फील द फ्रेशनेस ऑफ वाटर ऑल ओवर अगेन।